गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है अभी 7:50 और हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हाँ, नहा धो के नाश्ता करके और अब हो गया है इंस्टीट्यूट का टाइम। अब निकलते हैं इंस्टीट्यूट को। और आज का मौसम बहुत बढ़िया है, तो हल्के हल्के बादल लगे हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए हल्के हल्के बादल पूरे, ये देखिए। बाकी बहुत बढ़िया मौसम है, तो दिन भर की एक्टिविटी दिखाते हैं हम आपको। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। चलो चला जाए। ये है नैनीताल की मॉल रोड और बहुत ही बढ़िया मौसम है ना। कुछ कुछ टूरिस्ट घूम रहे हैं और अपने मॉल रोड में जितने भी पेड़ हैं, आजकल पतझड़ का मौसम है तो पूरे पतझड़ हो रखा है। और कुछ कुछ पेड़ हैं जो सदाबहार पेड़ हैं, तो उसमें पत्तियां आ रही हैं, वो बड़े अच्छे लग रहे हैं, हरे भरे है ना। और ये मॉल रोड आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। और अभी हल्द्वानी रूट में जितने भी कुछ कुछ स्पॉट्स आपको मिलेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बातचीत करते रहेंगे। और ये मैं घूम गया हूँ हल्द्वानी की साइड को, ये देखिए। अब सामने वाली पहाड़ी हनुमानगढ़ देखिए, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। नैनीताल की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर व्यू। ये व्यू आपको केवल हल्द्वानी नैनीताल में ही मिलने वाला है, ऐसा व्यू बहुत ही क्लियर। यहाँ पर हिल व्यू, फूड पॉइंट, मोबाइल वैन, ये देखिए सामने वाली पहाड़ी देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। अब मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ ऑब्जर्वेटरी है ना, वेधशाला जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, एरीज के नाम से है यहाँ पर। और यहाँ से अगर आप राइट लेते हो तो ऑब्जर्वेटरी पहुँच सकते हो। ये देखिए सामने वाली पहाड़ी वो है खुरपाताल, एक बिल्डिंग भी दिख रही है वहाँ बड़ी बड़ी सी है ना, तो वो है आपका खुरपाताल। वहाँ ये टच हो सकता है, वहीं से आप कालाढुंगी भी जा सकते हो। तो फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं हल्द्वानी। तो ये आप हल्द्वानी रोड का व्यू देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये व्यू। और सामने नैना पिक दिख रहा है देखिए, और ये देखिए सामने वाली पहाड़ी पर रेड कलर का ये पायलट बाबा का आश्रम है। और ये पड़ेगा आपका भवाली रोड पर, और यहाँ से है भवाली रोड का कट। और सामने वाली पहाड़ी नैनीताल की, और यहाँ से काठगोदाम 20 किलोमीटर, भवाली 16 किलोमीटर, ये आप देख सकते हो। और ये देखिए ये सामने ये आ गया पूरा यू बैंड। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट ले लूँ तो ये समझ लीजिए कि हम भवाली पहुँच जाएंगे, और अगर हम सीधे बैंड लेते हुए निकलते हैं तो हम जाएंगे हल्द्वानी। फिलहाल हम जा रहे हैं हल्द्वानी। ये है जुलीकोट, अब आप देख सकते हो जुलीकोट का बाजार है ना। बहुत बड़ा बाजार तो नहीं है, लेकिन हाँ चाय पानी पकौड़ा नाश्ता हो सकता है। ये जुलीकोट है, ये भी नहीं हल्द्वानी, भी हल्द्वानी नैनीताल के स्टेशन में ही पड़ेगा आपको। ये पहुंच गया हूँ नैन्सी। यहाँ पर नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं जनरली, जुलीकोट में ही है। ये पॉइंट है दो गांव, दो गांव में भी चाय पानी की दुकानें है ना, यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो आप। डेंस फॉरेस्ट आप देख सकते हो सामने। तो ये था दो गांव। अब हम पहुंच गए हैं HMT के पास। HMT आपने सुना होगा बहुत पहले, एक अपने टाइम में नंबर 1 घड़ी थी, रिस्ट वॉच हाथ में पहनने वाली घड़ी के लिए काफी फेमस थी HMT अपने टाइम पर समय के साथ नहीं चल पाई।
और पीछे रह गई। फिलहाल यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो फिर से भीमताल जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा जाएंगे हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी, बरेली, दिल्ली, देहरादून, पूरा रूट यही है। ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भीमताल का रूट भी इसी में है, ज्वाइन हो गया है। अब यहाँ से ट्रैफिक बढ़ जाएगा। मैं पहुँच गया हूँ माँ शीतला मंदिर। यहाँ से आप शीतला माँ के मंदिर में जा सकते हो, राइट। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप जा सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही प्यारा मंदिर, बड़ी शांति है वहाँ पर, आप जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट काठगोदाम, और ये है लास्ट ब्रिज जो आपके पहाड़ को और प्लेन को कनेक्ट करता है। ये देखिए, तो इसके बाद हम अब पूरा मैदानी एरिया आ जाता है हमारा। ये है, ये अब आप देख सकते हो, ये MBPG कॉलेज राइट साइड में। यस, सामने ब्लू बोर्ड आप देख रहे हैं, है ना। और ये चौराहा जो आ रहा है, गोल चक्कर है, इसको हम कहते हैं भोटिया मार्केट का चौराहा, है ना, भोटिया पड़ाव का चौराहा, सॉरी। तो ये हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी सिटी। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। फिलहाल आज के ब्लॉग में मैंने आपको नैनीताल से हल्द्वानी का पूरा टूर करा दिया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और थैंक यू एंड बाय बाय।